गाइस अस्सलाम वालेकुम। नाश्ता भी नहीं किया, कुछ खाया पिया भी नहीं है। उठ गए हैं हम तैयार होके, अपना सामान पैक करके, रात में जो मैंने पैक कर दिया था वो सामान पैक करके, सब रेडी करके, बस एक आध जो चीज़ें चेंज की थी बस वो रहते हैं। और अब हम निकल गए होटल से कुछ शॉपिंग वगैरह करने। बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला शॉपिंग का, इतना थक जाते थे आके सो जाते थे। और यहाँ पर 8 बजे बंद हो जाता है सारा कुछ, तो बताए क्या शॉपिंग है। दुकान के अंदर भी घुस जाना तो देंगे ही नहीं कुछ, 8 बजे बंद। और एक हम लोग हैं, हमें बोल बोल के थक गए, 8 बजे बंद कर दो, सुबह 8 बजे खोल दो, नहीं सुनते ही नहीं। और इनको तो कोई बिजली का मसला भी नहीं है, लाइट भी नहीं जाती यहाँ पर, मसले हमारे साथ है लेकिन नखरे भी हमारे ही है ना। अभी हम कावासाकी स्टेशन के अंदर हैं, यहाँ पर जो कैंडू हो रहा कैंडू डाइसो, और हम यूनिकोलो ढूंढ रहे थे और कैंडू भी जानते थे हमें, तो सारा कुछ यही है इसलिए हम यहाँ आ गए, वरना हम शिंजुकू में गए थे तो अभी इतनी दूर कौन जाएगा शिंजुकू। फिर हमने मैप में यहीं से देखा, होटल से चेक किया तो करीब करीब में ही सारे थे, क्योंकि हम अपने एरिया में घूम ही नहीं सके, बाहर बाहर दूर दूर जा रहे थे हम। लास्ट डे हमने यहाँ के लिए रखा था शॉपिंग के लिए, अब शॉपिंग की सारी चीज़ें यहीं पर ही हैं तो अच्छा हो गया, तो हमारा टाइम बच गया। यहाँ से हमें नीचे जाना है। हम जो ब्रांड ढूंढ रहे हैं ना वो यूनिकोलो यहाँ का ही है। अब अच्छे देखा यहाँ पर मॉल में सारा कुछ, सबसे पहले जो फ्लावर शॉप आएगी फिर ये सारा कुछ। ओके हम नीचे भी नहीं उतरे हैं, ऊपर ही स्टेशन के बिल्कुल ऊपर सेम फ्लोर पे ही है सारा कुछ, इनका मॉल है। लेट्स सी वहाँ पर प्राइजेस कैसी है, लेने वाली हुई तो हम लेंगे, अदरवाइज हम रहने देंगे, क्योंकि दुबई वाली प्राइस होगी तो फिर क्या फ़ायदा। कैसा आ गए, ये लिफ्ट से उतर के बिल्कुल सामने ही है, ये रहा यूनिकोलो। ये सॉक्स देख रहे हो आप, कलर्स में कितने प्यारे तरीके से असेंबल करके रखे हुए हैं, वाओ। और इनका जो ये ट्राउजर है ना, ये वाला स्टाइल इनका, इस ट्राउजर का पॉकेट्स भी हैं और थोड़ा कपड़ा रेशमी, ये खुला खुला, ओके। और ये मैं हूँ जो आते हुए ड्रेसिंग थी एयरपोर्ट पे, ये वही ड्रेसिंग है, बस शूज चेंज है। हैं प्यारा बेटा, दो दो प्यारा बेटा। डॉल सेक्शन शुरू हो गया, ये शर्ट सारी गर्ल्स की है, मेरा पेट बम्प अभी तक गया नहीं है। और ये हाफ स्लीव स्कर्ट वेस्ट, इनकी प्राइस क्या है, 3,990, नो थैंक यू। ये सही है सर्दियों पहनने के लिए, हवा बिल्कुल नहीं जाएगी अंदर, लेकिन जब दुबई में कहाँ होती है इतनी सर्दियाँ, हाँ लेकिन पता ही नहीं चलता, सेम है दोनों, आई डोंट माइंड। ये है लड़की वाले, वो बंद वाले हैं जो अभी मैंने पहने हुए, जिस तरह के ये थोड़ा ट्राउजर के कपड़े में, वो सिल्क में है, ये सस्ता नहीं है उससे, तो ट्राउजर से सस्ता तो ये है। नीटेड स्वेटर कितना प्यारा लग रहा है, ब्लैक ब्लू और ओ इतने सारे कलर्स में, यार सर्दियाँ नहीं होती ना। स्कर्ट देखो सर्दियों के लिए, वाह कितना गर्म है, देख के लग रहा है ना, ये कलर्स में सर्दियों के रखे हैं कपड़े। अच्छा यहाँ पर है दूसरा, नहीं मिक्स ही है तकरीबन, स्वेटर्स इस तरह के अच्छे लग रहे हैं, कॉटन वाले हैं। यहाँ थान मिल रहे हैं कपड़ों की थान मिल रही है यहाँ पर, वो भी थान है देखा, उस तरफ भी है, ये इस तरह की चीज़ें मिल रही हैं यहाँ पे घर की, ये भी कपड़ों के थान मिल रहे हैं, मतलब जितना गज़ आपको चाहिए, प्राइस 1 मीटर की प्राइस ये है। अच्छा
लेसेस, और ये देखिए इससे बनेगा ऐसा कुछ, आप डिज़ाइन करें जो भी आपको शौक हो, ऊपर बनेगा ना सारा, ये सारी चीज़ें हैं। ओके चलें जी, हमें देर हो रही है, चलते हैं आगे की तरफ, बिलिंग कराते हैं। और फिर ये देखिए मैं कह रही हूँ, इस तरह के बैग ना, ये लगे लड़के इनके जो ना लड़के उठाते हैं। स्टेशन के थर्ड फ्लोर से हम लिफ्ट में दूसरी साइड उतर रहे हैं, होटल स्टेशन के बिल्कुल नेक्स्ट साइड, दूसरी, ये हर स्टेशन कहीं ना कहीं निकल रहा है, चारों तरफ से खुलते हैं। और ये वाला एरिया जो कल जब हम गए थे, जहाँ हमने बर्गर के और KFC देखा था, वहाँ डोनट्स, हाँ हाथ क्या, चलो कुछ खा पी लेते हैं, हल्का फुल्का, चक्कर आ रहे हैं भूख से, चक्कर आ रहे हैं डोनट भी देखते हैं, हाँ वहाँ जाना है, उस तरफ जाना है हमें। डोनट भी है और एक क्रिस्पी क्रीम डोनट भी है, दो अलग अलग शॉप है क्या, एक ही है डोनट्स एंड कॉफ़ी, या एक ही है ये? यहाँ खाना है हमने, ये तो लिया हमने, दो कॉफी क्या करना है? कॉफी, कितने प्यारे हैं नोआ, मेरे बेटे को नींद आ रही है, सुबह जल्दी उठा लिया ना, शॉली शॉली शॉली, हाँ नोआ अभी तो एक खाएगा। कौन सा पहले टेस्ट कर लो। बाबा डोनट लेके आ रहे हैं, कॉफी पता नहीं कहाँ आएगी। अच्छा ये बना रही है कॉफी, देख लो टेस्ट कर लो, अगर चाहिए हो तो एक और ले। हाँ बाबा कचरा अलग अलग करके फेंक रहे हैं, पेपर प्लास्टिक और, हाँ दो ही ऑप्शन है। चलो अब चलते हैं, ये भी बेकरी है मिस्टर डोनट। कार वॉश, किसी से पूछ तो आसानी हो जाएगी। मैप ने लगा दिया, मैप पे लगा दिया लॉकर्स अगेन, रास्ते में रास्ते चलते बस, जिसको जहाँ कुछ सामान भारी लग रहा हो यहाँ डाल दे, लेकिन आपके पास सिक्के भी होने चाहिए। बाइक तो चेक करो, लेफ्ट पर यहाँ नजर आ गया मुझे, कहाँ है? ओ बंद है, लेकिन लेकिन ये तो बंद है। हाँ उस तरफ वाली खुली हुई, चलो आओ, वो एक और भी यहाँ पे तो है। हाँ आ गए, मिल गया था लेकिन बंद है। पर भी यूनिकोलो है और जियो भी है, बाद में देखते हैं, अगर टाइम हुआ ना तो यहाँ पर भी आ जाएंगे जियो देखने। मुझे एक वाली शर्ट चाहिए लॉन्ग मैक्सी, अच्छा डिज़ाइन मिल गया तो ले लूँगी, क्योंकि स्प्लैश में तो महंगी है और इतनी मिलती भी नहीं है, और 110 वगैरह में बहुत छानना पड़ेगा, बहुत ढूंढना पड़ेगा, उफ वो भी बहुत सारे 110 में, अगर मिल गया तो किस्मत, क्योंकि 110 में ऐसी आती है ना बस अचानक, जो चीज़ें एक बार आ गई दो बार आ गई बस आपको फिर नहीं मिलेगी वो, क्योंकि वो लोग आयल से इतना चेंज करते रहते हैं, और एक बार कोई ले ले तो फिर मतलब स्टॉक नहीं होता ना उनके पास इस तरह, और ब्रांड तो है नहीं कोई कि बार बार आपको वही चीज़ ला कर रखते जाए रैक में। यहाँ पर है सारी, ABC मार्ट, कैंडो, यूनिकोलो और
सिल्क हैट नहीं नहीं चाहिए हमें, डॉलर शॉप भी तो थी कहीं, वो भी है यहाँ पर। लेट्स सी, ये आ गए हम थर्ड फ्लोर पे, देखते हैं। नेवी है, कैंडू भी, वो रहा कैंडू, स्टार बना नजर आ गया। यहाँ पर अच्छे कपड़े नजर आ रहे हैं, कपड़े अच्छे लगे, प्राइस फिर वही है ना। अगर जो मुझे चाहिए वो मिल भी गया ना, अगर थोड़ा सा मतलब वाली प्राइस में, तो मैं ले लूंगी। अभी हम क्या जा रहे हैं, कैंडू ने भी था, कैंडू जा रहे हैं, चीजें देखते हैं। बाय। फिर ये थैली रख के दे दिए ताकि वो डालो। पहले पूछ रही है कौन सा बैग चाहिए, एस एम एल स्मॉल मीडियम लार्ज, पैसे लगते हैं। तो मैंने कहा स्मॉल, देखिए नो स्मॉल में नहीं आएंगी चीज़ें ये, तो पूछ के खुद ही डाल देना। चलो अभी इधर जाते हैं हम एन ब्रिज में, यहाँ पर भी तो कपड़े, ये तो बहुत बड़ा है। हाँ एक देख लेती हूँ, जब सलमान खुद कह रहे ट्रॉली ले लो एहतियातन, तो फिर मैं कैसे छोड़ दूँ। ये इनका फिटिंग रूम है, कोई पजामे टाइप ही है, सिंपल प्रिंटेड है ये, प्लेन चाहिए कि प्रिंटेड? 6,500 ओ तो ज़्यादा ही महंगा है, 6,500 येन है असल में। तो प्यारा लग रहा है, ये रेड कलर का टॉट बैग। ज़ारा बर्शुका, और ये क्या है, ब्रांड फॉर लेस टाइप, सब फ्रेंड मेक्स है। मोटे मोटे डॉग डॉग, हाँ ना ये फैशन में है ना। ओए ये तो नहीं है, ये भी बहुत गंदे लग रहे हैं, ये तो फिर भी फैशन में, और ये भी 50% ऑफ लगी हुई है, पर मुझे नहीं देने। कैंडल एंड काइली यहाँ पर भी है, कितना प्यारा लग रहा है ये बैग, पर 6,000 का है, नहीं थोड़ी 2,000 का, हाँ नहीं 3,000 का है। कहाँ है, आ जाओ ना, 3,000। यहाँ थोड़ी लॉन्ग सी है, फुल स्लीव्स भी फुल है, यहाँ देखती हूँ। मोबाइल रख कर देखना पड़ेगा, मैंने आप लोगों को एक नज़र दिखा दिया, अब मैं देखती हूँ मैं क्या लेती हूँ, अगर कुछ ले लिया तो मैं हॉल वीडियो में दिखा लूँगी। यस ओके बाय। ये देखो ये एक मुझे बैग अच्छा लगा है, ठीक है, और ये देखो ये एक ऑर्गेंजा, आप लोग खुद भी सी सकते हैं ये ऑर्गेंजा डबल। हाँ बैठे बैठे
सो गया मेरा बेटा बैठे बैठे। अब इसको जरा हमने कवर कर दिया, लेटा दिया, ये देखें। बस ये सिंपल सा है, नॉट लगा दो, सिलाई भी अंदर से नज़र आ रही है, कोई नहीं, मेरे पास मशीन नहीं है। और ना 3 साल से सोच रही हूँ कुछ बना लूँ ऐसा ऑर्गेन्जा का, कपड़े ही मिल जाते, पीसेस भी मिल जाते हैं। ये तो मैं इतने महंगे क्यों दिखाओ यार, सब बड़े महंगे महंगे मनहूस। जिप है स्टॉन बैग में, ओ यस 2200 2200। पांडू अच्छा लग रहा है एक मुझे ये, लेट्स सी बाबा से प्राइस देखते हैं फिर ट्राई करते हैं लेना है कि नहीं लेना। बाबा भी रुको ना, क्या है मुझे बैग तो देखने दो, बड़ी जल्दी हो रही है निकलने की, अब मामा के हाथ में चीज़ें जमा हो रही है ना। ट्रॉली हमारी ये पड़ी हुई है वो रेड कलर का, भी इतना प्यारा लग रहा है यार। इनके पास ये वही प्राइजेस हैं जो हमारे स्प्लैश में होती है, सेंटर पॉइंट में होती हैं, तो मैं वहीं से ना ले लूँगा, मुझे लेने का इतना हो तो। लमी शीशा चाहिए, मुझे शीशा देखना है, शीशा किधर है, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, इसको देखते हैं। ओ गॉड, जोली जोली टाइप, अब इसको ऐसे पहन के देखते हैं। नहीं ये कैंसिल हो गया, इसको मैं बाबा से करवाती हूँ। 2200 कितना बना, हाँ नाइस। सलमान, ये हमारा सामान है, यहाँ पर इनके किसी फ्रेंड ने ये गिटार भिजवाया है, और हमारा तो ये दोनों सामान था। और आपको पता है इस वाले लगेज में तो 14-15 किलो भी पूरा नहीं आता, 14 किलो बहुत मुश्किल से ठूस ठूस के आया था, और अभी 13 किलो है। तो ऐसे वाले हार्ड लगेज ना बहुत ही फजूल होते हैं, इसमें फिर भी आप कुछ भर सकते हो, ठीक है। और बेबी का एक ही बैग है, और एक हैंड कैरी के तौर पे बैकपैक बाबा के पास है बस। बेबी के बैग का तो कोई, यानी डायपर बैग एक जो होता है बस वो फ्री होता है, क्योंकि अभी 2 साल से तक का इनका कुछ ज़्यादा बिल्कुल अडल्ट में टिकट नहीं आते हैं, कम पैसे लगते हैं बट अडल्ट में नहीं आते हैं। तो ये इनका वेटिंग एरिया है होटल का, और वो वाला जो है वो कैफ़े वगैरह है, वो ऑफिस के काम काज करने वाले लोग लैपटॉप लेके बैठ जाए, कुछ भी मीटिंग्स वगैरह। मेरा बेबी उठ गया जी। और उस तरफ किचन एंड टेरेस,
रेस्टोरेंट कैफ़े वगैरह नाश्ता वहाँ होता था, वो जो स्लाइडिंग डोर खोल के अंदर टीवी लगा ना, वहाँ से अंदर जाके, और ये लिफ्ट वगैरह है, 3 लिफ्ट लगी। जी मेरे बच्चा, अस्सलाम वालेकुम जी, उठ गए, भूख लग रही है। अच्छा जी, अच्छा। ये आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो लाइक कर सकते हैं, कॉमेंट कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल, शेयर भी कर सकते हैं। अपना अपने ग्राहकों का सबका ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। टोक्यो जापान से बाय बाय। अल्लाह हाफिज़। कावासाकी होटल मेट्रोपॉलिटन जेआर ईस्ट। बाय। नोवा की फीडर के लिए थर्मस में तो पानी गर्म ले लिया था, वो 2.5 ग्लास मतलब आधे 2 बार पी लेगा और आधा थोड़ा सा बच जाएगा, तो वो एयरपोर्ट के लिए मैंने रख लिया है। सलमान जो बैग कैरी कर रहे हैं उसमें है खाने पीने का नोवा का सामान, और इसमें है नीचे जो बैग है इसमें है नोवा के कपड़े और ब्लैंकेट और वगैरह। तो अभी बाबा, मैं नहीं चाह रही थी कि थर्मस वाला पानी ख़त्म हो अभी, क्योंकि एयरपोर्ट पे चाहिए होगा और जहाज़ में भी चाहिए होगा। जहाज़ में तो खैर गर्म करवा सकते हैं, लेकिन अभी मुझे नोवा को दूध पिलाना था, तो इस वजह से थोड़ा सा गर्म पानी कॉफ़ी स्टेशन उधर हम जाकर हमने मतलब इनके काउंटर से पूछा। सारे परेशान हो गए, ये भी परेशान हो गया लड़का, वो लड़कियाँ आंटियाँ भी परेशान हो गई, कॉफ़ी वाले पूरा सब मदद करने के लिए इतना परेशान हो जाते हैं ना यहाँ पर। तो अभी बाबा पानी गर्म करके नोआ को फीडर में डाल के देंगे, ठीक है। नोआ के लिए पानी आ रहा है, दुद्धू आया है, दुद्धू पियेंगे, भूख लगी ना मेरे बेटे को। दुद्धू आ गया, हर शॉप के बाहर हर कैफे के बाहर ये छतरी रखने का देखिए कितना प्यारा बना हुआ है, क्योंकि यहाँ कभी भी बारिश हो सकती है और परसों हुई थी बारिश, तो इस वजह से उसके बाद से और मौसम काफ़ी ठंडा हो गया है, तो छतरी लेके तो चल ही रहे होते हैं लोग। ये तो बड़ी छतरियाँ थी ना, तो उनके लिए ये है, और बाकी ऐसी छतरियाँ होती है जो इतनी सी हो जाती है फोल्ड होकर, तो अब इस छोटे से टॉट बैग में भी होगी छतरी एक। चले जी, अब हम खाना वाना खा के चंद्रमा से बाहर आ गए हैं और अब जाएंगे कावासाकी स्टेशन मेट्रो, वहाँ से हम जाएंगे शिनागावा या फिर डायरेक्ट नरिता एयरपोर्ट। एगी खाने, छोटा सा बन बन खाने, मम्मी ने बन खाने खा ले। ओए नोआ को ये फोड़ना था, कहाँ गया, उंगली से प्रेस करके ये लो नोआ जी। नोआ ट्रेन को बाय बाय करेंगे हम, ठीक है, बाय बाय करेंगे। आप करते हो ना, होटल से देखते हो ना, रूम से देखा था आपने, बाय बाय करेंगे अब, ठीक है, ट्रेन को बाय 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 बाय, कम ऑन बाय 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 बाय। अंडा है नोआ के हाथ में इसलिए बाय नहीं कर पा रहा, बाय बाय। हाँ, अभी हम यहाँ ट्रेन शिनागावा स्टेशन पे रुक गए हैं, क्योंकि ट्रेन में से बदलनी थी हमें, लेकिन अभी हम जा नहीं सक रहे, हमारा सामान देखिए यहाँ पर है, क्योंकि हम खाना खाने जहाँ रुके थे चंद्रामा पे, तो वहाँ कोई अपना फ़ोन भूल गया है। देखो 24 घंटे 24/7 आज जो अपने फ़ोन पे रहता है वो अपना फ़ोन भूल गया है। तो अभी इनके फ्रेंड गए अली नजीब हाई हो गए वहाँ लेने, और यहाँ पर 3 बजे से 5 बजे का टाइम ऐसा है कि बंद हो जाता है। फिर हमने खैर कॉल कर ली थी सलमान ने अपने, उनके पास 2 मोबाइल होते हैं, तो एक दूसरे मोबाइल से कॉल कर ली थी, उस नंबर पर तो उसने उठाया, तो उससे बात कर ली, उसने कहा चलो ठीक है कि मैं आप वहाँ आके होटल के बाहर आके रेस्टोरेंट के बाहर आके दे देना फ़ोन, मिस कॉल दे देना या कॉल कर लेना, तो मैं आ जाऊँगा। खैर वो करीब में रहता हूँ या बंद करके वो लोग वहीं रेस्टोरेंट कैफे जो उनका वहीं वो लोग वेट करते हो शायद में भी। और हमने एक और ऑप्शन दिया था उनको, अगर बंद भी हो जाता है तो आप बिल्कुल 2 मिनट की वॉक है हमारे होटल से जहाँ हम ठहरे थे, हमने कहा वहाँ लॉबी में दे देना, काउंटर पे दे देना, उसने कहा नहीं आप वहाँ कैफे के पास रेस्टोरेंट के पास आके आप मुझे कॉल कर देना। तो खैर अब
होता है गॉड यहाँ, मतलब इस तरह से फोन हो भी जाए तो आपको मिल जाता है, खोया हुआ फोन मिल जाता है। तो बस आप वेट करें, फोन आएगा, फिर हम उसी डेट पकड़ेंगे और जाएंगे हम अपने डायरेक्ट एयरपोर्ट जाएंगे, नरीता एयरपोर्ट हमारे यहाँ हनेडा से। लेकिन टिकट्स नहीं मिल रही थी वहाँ की, वापसी की बहुत देर बाद मिल रही थी, तो 2 हफ्ते में हम नहीं बैठ सकते थे, अब 15 दिन हो रहे थे इस तरह से, ज़्यादा दिन हो रहे थे। तो फ्लाइट सारी सीट बुक थी, तो अब हम जो है हमने किया आना, हमने हनेडा से कर लिया और वापस हम जा रहे हैं नरीता एयरपोर्ट। एक शहर में 2 एयरपोर्ट होने का यही फायदा है, और हमारे कराची जैसे शहर में एक है वो भी मज़ेदार, इतना अच्छा नहीं है, अट्रैक्टिव नहीं करता, इतना पीला पीला सा मतलब बहुत बुरा लगता है। शारजा का इतना साफ प्यारा टाइल, कितनी अच्छी है, इतनी जगह है कि आप दूसरा एयरपोर्ट या उसको एक्सटेंड कर लो, इतना बड़ा एयरपोर्ट कर लो कुछ, इस्लामाबाद में भी अब तो 2 एयरपोर्ट हैं दुनिया भर में है। तो हम पता ही कहाँ हैं, हम पीछे जा रहे हैं, हम चांद पे जा रहे हैं। कितनी ट्रेन आती जाती देख ली, हमारा सामान यहीं पर है, हम यहीं बैठे हैं, अभी दोस्त नहीं आएंगे, वेट कर रहे हैं बस, जैसे वो आएंगे फिर हम उसी ट्रेन पकड़ेंगे। बाय बाय ट्रेन, आखिरी ट्रेन को बाय कर दिया। ये वीडियो तो बनती है इन्फॉर्मेशन, इन लॉकर्स में हैंड कैरी और सूट केसेस हैं, आए यहाँ रुके, आपको कोई काम हो बीच में रुकना हो, यहाँ अपने आप सूट केसेस बैग्स वगैरह हर तरह के हर साइज के देखें लॉकर्स हैं, कॉइन लॉकर्स। अभी 2 लोगों को मैंने देखा बड़े बड़े फुल साइज सूट केसेस रखे हैं, वो निकाला, अब जाएंगे अपनी लोकेशन पे। अभी हम जिस स्टेशन पे हैं वहाँ 2 ट्रेन चलती है, लोकल चलती है और एक ट्रेन जो है वो एक्सप्रेस ले रही है। तो एक्सप्रेस वाली जो ज़रा वो बुलेट है वो 7-8 घंटे का सफ़र 2 घंटे में करवा देती है, तो इस तरह से, और वो लंबी रूट के लिए है, लोकल करीब करीब के लिए, ठीक है। तो अभी हम उस ट्रेन के लिए, एक्सप्रेस के जो बुलेट ट्रेन है उसके लिए आपको टिकट लेना पड़ेगा, और टिकट लेना ऊपर वो लोग ऑफिस में गए हैं, वहाँ से टिकट लेंगे। तो सलमान की ट्रेन, सलमान पर गए, सलमान के साथ ये लाइन से सामान रखा हमारा, मैं यहाँ वेट कर रही हूँ, देखते हैं टिकट हो गया तो ठीक है, वैसे हो जाएगा मिल जाएगा। ट्रेन तो बहुत खाली जा रही है, मैंने देखा बुलेट ट्रेन एक पहले वाले स्टेशन पे तो वो तो चली गई थी, खाली खाली सी थी, तो अभी देखते हैं कब तक आते हैं वो लोग। वरना नरीता एयरपोर्ट लोकल ट्रेन जो जाने वाली थी, हम जब से निकले थे तो सामने ही थी, तो वो लोग उस टाइम बैठे नहीं कि एहतियातन एक बार पूछ ले, हर एक लिखा हुआ आ रहा था, मैं उनको बैठने का मेरा दिल चाह रहा था, लेकिन खैर चले ठीक है, बाय, अब एयरपोर्ट में मुलाकात हो। यहाँ से खाना खा रहे हैं ये लोग, खाना खाती ट्रेन आए, बस ट्रेन में बैठे और चले गए। चलो बंद करो, फोर वहां लिखा हुआ आएगा, अभी मुझे देखना है। 13番線 ドアが閉まります。 ご注意ください。 Please stand clear of the closing doors.
नहीं ये नहीं जा रही, नहीं इधर कहीं और जा रही है। बहुत मुश्किल नाम है इनके, फल्ला प्रोनाउंस करना भी आजाम। बाय बाय, नो बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय करो ना, बाय बाय। चली गई। अच्छा अच्छा मामा तंग कर रही है। हम बैठ चुके हैं बुलेट ट्रेन में और मेरी सीट इस तरह की सिंगल सीट, पूरा छोटा जहाज स्पेस था ये, तो ये इधर नोआ को रख दिया। उधर भी एक सिंगल सीट है, असल में व्हीलचेयर वालों के लिए, उनकी व्हीलचेयर वगैरह की। टोक्यो स्टेशन पे और अब डायरेक्ट जाएगी नरिता एयरपोर्ट। अब कहीं बीच में नहीं रुकेगी, अब चलेगी। तो डब्बे में बैठे हैं, हमारा ये नहीं है, दसवां था और हम लोग पाँच में बैठे पता ही चला, सारा कुछ जैपनीज में लिखा हुआ था और जल्दी चल जाती है ट्रेन, तो इस वजह से बस जैसे ही रुकी जो सामने गेट था वो उसी डब्बे में बैठ गए। अरे जा तो सकता है अभी भी, यहाँ से असल में हमें पता इस तरह चला कि हम गलत बैठे हैं कि पीटी आया, उसने देखा, जिनके होते हैं ऑफिसर उन्होंने देखा, फिर हंसते रहते हैं लोग तो हर वक्त हंसते हंसते, बस आंखें छोटी कर करके हंसते हंसते, नहीं कोई बात नहीं करते भी चला गया। और ना कोई आया, किसी ने हमें उठाया कि मेरी सीट है आप गलत बैठ रहे हैं इस तरह कुछ, क्योंकि पूरी ट्रेन अभी भी खाली आ रही है, पूरी ट्रेन खाली है, बैठा भाई खाली, और इसी तरह ये खाली जाएगी क्योंकि अब कहीं बीच में रुकेगी नहीं, डायरेक्ट नरिता एयरपोर्ट जाएगी। Thank you.
पेज यहाँ पे बांधना है, ये देखिए ये निकलेगा, आप लॉक कर लें, यहाँ रख दें और चले जाएं। एक्सप्रेस, रैपिड और लोकल। लोकल सबसे लेट चार, तीन चार घंटे में, दो घंटे में, एक घंटे में, एक घंटे में सॉरी, दो घंटे में, हम डेढ़ घंटे में आ गए। इनके वॉशरूम देखिए सारे ऑटोमेटिक हैं, ऑटोमेटिक है ठीक है। यहाँ से आपने बटन दबाना है, सिर्फ बटन दबाना है। ये पानी का निशान बना हुआ है, ये देख रहे हैं आप लोग। म्यूजिक, प्राइवेसी ऑन ऑफ, ये सब देख सकते हैं। प्रेशर, वॉल्यूम, फ्लश। बेबी को हम यहाँ रख दें, बेबी के साथ हो। जैसे दुबई एयरपोर्ट पे मुझे बहुत मसला हो रहा था, हाँ दुबई एयरपोर्ट पे, यस। तो और ये कोई भी कचरा आप जो अपने फेंकना हो यहाँ आप फेंका, एंड ये खुद ही बंद हो जाएगा लाइक ऐसे। वो उधर बाबा नज़र आ रहे हैं, बाबा स्विका कार्ड वापस कर रहे हैं, उसमें जितने पैसे हैं हमें वापस मिल जाएंगे येन, और येन भी अगर हम आगे से एक्सचेंज से चेंज कराएंगे तो हमें दिरहम मिल जाएंगे, और अगर हम चाहें तो एयरपोर्ट से कुछ खा पी सकते हैं। येन जारी बात है, थोड़े बहुत रखने पड़ेंगे या क्यों ये स्विका रिटर्न रिफंड का है, डिपॉजिट भी होता है इसके अंदर ना 500, और बाकी जितने बचेंगे सब रिफंड कैश दे देगा, तो हम उसको एक्सचेंज कर ले और खर्च कर, एक्सचेंज करके खर्च करेंगे ना यहाँ। ये तो आपका काम है, देखा नोआ क्या बोला है बाबा ने, नोआ के लिए मैं कुछ नहीं लूँ, हाँ नोआ को कुछ नहीं खिलाऊँ यहाँ से मैं, है नो दिल तो देखिए कान का मैल नहीं चला जाएगा इतना कान के अंदर कैमरा आगे, पैसे मिल गए वापस येन अभी से, यहाँ नो कैसे देख रहे बर में से बर में से घुस के देख सेकंड कार्ड गया हाँ नवा जी, हाथ नहीं छोड़ो बेटा, आपको चलना है मुझे पता है। मेरे वाले में कितने हैं, 2000 700 3000 और 87 4000 तक थे। नवा अच्छे 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 नवा जी, नवा जी कहाँ कर लें और बाबा जी कहाँ कर लें, नोआ साहब को ये क्या मिली है, नोआ आपको न्यू कार मिली है, हाँ न्यू स्टॉलर, अच्छा नोआ के लिए भी, नोआ की स्टॉलर का ये मिलता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ खो गया। हाँ आप सीधा बैठा हुआ है ना, ये एयरपोर्ट की है, हमारी वाली लगेज में चली गई है, न्यू कार है नोआ। हाँ अभी ये जब हम जहाज में बैठने लगेंगे तो ये दे देंगे, ठीक है जी। ये बन प्राडा बन, शनैल बन, टिफनी एंड को बंद, एयरपोर्ट पे भी सब बंद। 8 बजे छः सात बजे बंद करना शुरू कर देते हैं ये लोग, 8 बजे तक तो आपको कुछ मिलेगा ही नहीं, शटर नीचे होंगे। कितना अच्छा है ना, लेकिन एयरपोर्ट भी क्यों बंद कर रहे हैं, क्या पागल है ये लोग। अखिया बारा वहाँ कुछ मिल जाएगा, हाँ वहाँ कुछ मिल जाएगा, टैक्स फ्री अखिया बारा। चलो यहाँ देखते हैं, यहाँ कुछ मिल जाए खाने को, 1.5 घंटा है अभी तो कुछ तो खा लें हम, है ना नॉर टोक्यो बनाना, मीठा मीठा मीठा, बस सिर्फ मीठा भरा हुआ। हमारे टाइप का तो कुछ मिलेगा भी नहीं वैसे मुझे पता, लेकिन फ्राइज भी मिल जाए तो, ओ वाह फ्राइज नज़र आ गए। हेलो किटी, नोआ जी तेईस हजार
36,000 उफ अल्लाह माफ करो बाबा। ये लड़का क्या कर रहा है, नवा का है, नवा का है। अरे वाह नवा जी खेल रहे हैं। नवा कहाँ छुप गए हैं? ये रे अच्छा जी नवा क्या कर ले पैंपर चेंज करूं आज उससे पहले कि गेट खुले जहाज का। मामा पैंपर चेंज कर, आज पैंपर चेंज करूं। आओ ना, ये कहाँ मिले नुआ को, ये कहाँ मिले? हाँ बाबा न्यूज देख रहे हैं, इमरान खान को अरेस्ट कर लिया, बहुत अफसोस। और जब लाइन में लगे थे, बोर्डिंग करा रहे थे, तब मैंने एकदम से अब पता नहीं कहाँ वीडियो देखी, तो फिर मैंने ट्विटर ऑन किया फटाफट, क्योंकि ट्विटर पे सबसे ज़्यादा फास्ट चलती है न्यूज़ है ना, तो फिर तब से हम बस वक्त से जब टाइम मिले तो देख रहे हैं जी ऐसे थोड़ी ऐसे आएंगे नुआ, ऐसे आएंगे। ओके बाय। इस वक्त हम जहाज में हैं एमिरेट्स एयरलाइन, और सलमान जो है मूवी देख रहे हैं, इनको मौका मिल गया देखने का फाइनली। नुआ सो रहे हैं और ये सीट ख़राब थी तो हमें ये पूरी सीट मिल गई है। वैसे भी पैसेंजर कम थे, मेरे बराबर वाली भी सीट खाली है, तो मैं तो उधर नहीं बैठ रही हूँ। नुआ कहीं गिर ना जाए ये सोच के ना, तो नुआ को यहाँ बिठा दिया और अपनी सीट पे थोड़ा मैं इधर रुक के बैठ गई हूँ। और नुआ जी सो रहे हैं एंड यस, फिर से इन्होंने पिक्चर ली है एक, जो कि वहाँ रखी है। अभी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही, सुबह 9 बजे के हम उठे हैं, रात को 3 बजे सोए थे और 9 बजे उठ गए थे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ना 6 घंटे ना पूती, लेकिन 9 बजे से जो हम चल रहे हैं ट्रेन में सफ़र, फिर ट्रेन बदल रहे हैं, फिर चल रहे हैं, फिर ट्रेन, मतलब इस तरह से ना करते करते भी एयरपोर्ट पे 3 घंटे हम बस चलते ही रहे। लाइन में खड़े होना बहुत, मतलब रेस्ट बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिला हमें, तो अब जाके थोड़ा रिलैक्स होने का मौका मिल रहा है। तो मैं कुछ नहीं देख रही हूँ और मैं सो रही हूँ। खाना वैसे देना शुरू करती है, अब खाना खा के ही सोऊंगी, जब तक मैं क्या करूँगी, लेट्स सी। बहुत आ रही लेकिन खाना खाते हुए बस थोड़ी देर। ओके हाय, गुड नाइट। बीफ नूडल्स और फिश में ऑप्शन था, सलमान ने बीफ नूडल मंगवाए थे और मैंने सोचा कि मैं तो दोनों नहीं खाती, तो मैंने सोचा फिश मंगवा लेती हूँ, सलमान वो भी ट्राई कर लेंगे। लेकिन फिश बहुत ही ज़हर थी यार, एक तो स्किन लगी हुई थी और ऊपर से बहुत गंदी ही, कोई जापानी स्टाइल की। अल्लाह, मैंने वापस करवा दिया फौरन शुगर देखते ही। और अब मैंने बीफ मंगवाया और ऊपर से करवाना चाहिए ना, सात वाली ने कर रहा है वो अलग से लाके देने शुरू। हाँ, सात वाली का फ्रूट, अच्छा वो ये अच्छा, तो हमें क्या पता करता अपना स्पेशल ऑर्डर, तो उनका वही नॉर्मल आता है, मुझे फोक ध्यान ही नहीं था। ये वाले आपका उसमें, हाँ इसमें ना, अभी निकालती हूँ मैं, चलें जी। ओके बाय। नुआ जी हमें सोने नहीं दे रहे, अब पूरा जहाज सो रहा है, अंधेरा ठप। ये हमें सुबह का नाश्ता मिला है, ऑमलेट विद मशरूम स्टफ, बीन्स थी, फ्रूट्स, योगर्ट विद बेरीज, और ये आलू है।
केक मिला है और पानी मिला है और जूस जो कि मैं पी चुकी हूँ, और मेरे बेटे सो रहे हैं और बाबा भी नाश्ता कर रहे हैं। हाँ जी, तो हम पहुँच गए दुबई एयरपोर्ट, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से पहुँच गए हैं। नवा और बाबा जा रहे हैं, नवा जी को प्रैम ले लिया है हमने, वरना गोद में उठाने से मैं बहुत थक जाती। अब हम जा रहे हैं ट्रेन में, क्योंकि ये डबल डेक जहाज बड़ा वाला था। तो यस, मॉर्निंग फेस के साथ बहुत सारे पैसेंजर्स थे, कनेक्टिंग फ्लाइट वाले थे, वो सीधा चले गए, हमें यहाँ आना था। ओह गॉड, हैप्पी टू बैक होम, बैक टू होम दुबई। वे ट्रेन ट्रेन में बैठ गए हम, दो क्लोज हैं। लड़का शो शो क्यों उठ गया? अब मामा पापा को सोना है। नोआ आप क्या करोगे? ये एयरपोर्ट की प्रैम है, थैंक गॉड ये मिल गई थी, वरना अभी तक हम चल रहे होते। अब हम बैगेज क्लेम के लिए जा रहे हैं, अपना बैगेज उठाएंगे, उसके बाद टैक्सी करेंगे सीधा घर। यस, नंबर 12 से हमें अपने बैगेज कलेक्ट करने हैं, यहाँ आएंगे हमारे बैगेजेस। अपने बाकी के सामान का वेट कर रहे हैं हम, एक नोआ का स्ट्रॉलर आना है, और हम तो भूल ही गए थे स्ट्रॉलर भी है, इसी को स्ट्रॉलर समझ के बस ले जा रहे थे। स्ट्रॉलर है एक, और दो गिटार हैं, वो फ्रजाइल में दिए थे तो अभी तक तो नहीं आए, यहाँ पर वेट कर रहे हैं, बाकी सामान आ चुका है। गॉड, ये फिर से घूमी है पट्टी, ये मतलब बेल्ट, ये सूटकेस दोबारा आया है, हमारा सामान नहीं आया लेकिन अभी तक ये वाला सूटकेस भी दोबारा आ रहा है। दूसरी बेल्ट पे देखने गए क्योंकि यहाँ पर दूसरी बेल्ट पे भी कुछ लिखा है क्या आएगा, तो शायद में भी दुबई का और कहीं पर भी हो, लेकिन नरीता का तो इधर ही है, नरीता का सारा सामान तो यही है। खैर बाबा देखने गए, अगर वहाँ लिखा आ रहा था ना फ्रजाइल, उधर आएगा दूसरी बैल पे। तो ये गिटार है और एक ये बाबा ने लिया हुआ है, ठीक है। नोआ के स्टॉलर खोले बाबा, नोआ जी इस छोटे से मुन्ने से स्टॉलर से उतर जाएं अब आप, चलें। वही बिग स्टॉलर नोआ के हैं, नोआ जी
This keep on the left first right. Yeah. Left signal left. क्या लिए इसने? Sim का वो sim का. हाँ वो check कर सकता है. मुंह में डालेगा ना इसलिए. देखता रहूँगा.